हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग और सेटअप दिखाऊंगा ज़ेब्रोनिक्स के स्मार्ट वाईफाई प्लग की। तो आप किसी भी डिवाइस को इसमें कनेक्ट करेंगे तो आप उसको रिमोटली अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर टाइमर भी दे सकते हैं। तो अगर आप भी इस डिवाइस को ऑफर प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें एक ये स्मार्ट प्लग मिलेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी पिन्स हैं और इसके साइड में ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। और इसके साथ में हमें ये इसका मैनुअल मिला है, इसको देखकर अभी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी हमें एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसके लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे जेब होम, और इस जेब होम ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। हमारी जेब होम ऐप इंस्टॉल हो गई है, इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले हम इस पर साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद एग्री करेंगे और अभी हम इसमें अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे। अभी हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है जो हमारी मेल में गया है, उसके लिए हमें अपनी मेल को ओपन करना है और मेल से इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अभी इसका पासवर्ड सेट करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे तो यह विंडो खुल के आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पे डिवाइस पे ऐड करने के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यह विंडो खुल के आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे सॉकेट वाईफाई पे क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे और यहाँ पे हम गो टू कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें अपने मोबाइल के साथ में वाईफाई को कनेक्ट करना है। ऐप में भी हमें वाईफाई का नाम और पासवर्ड एंटर करना है। ऐप में वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यह विंडो खुल के आ जाएगी। अभी हमें अपने डिवाइस को सॉकेट में लगाना है। प्लग को सॉकेट में लगाने के बाद हमें इसके पावर स्विच को 5 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूस प्रेस करके रखना है, जिससे ये कंटिन्यूसली ब्लिंक करने लगेगा, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है अभी, तो मतलब ये पेयरिंग मोड में आ गया है। ऐप पे अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीसरी बार फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें एडिंग डिवाइस लिख के आ जाएगा। नीचे में स्कैन डिवाइस है और ये एडिड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। अभी जैसे ही मैं इस पे डिवाइस के नाम पे क्लिक करूँगा, ये जो एडिड सक्सेसफुली करके आया है, तो इसका जो फाइनल विंडो है वो खुल के आ जाएगा। ये हमारे डिवाइस का विंडो खुल के आ गया है। यहाँ पे मैं अपने डिवाइस को पावर ऑन कर सकता हूँ, पावर ऑफ कर सकता हूँ, टाइमर में जाके मैं टाइमर दे सकता हूँ कि इतने टाइम के बाद में मेरा स्विच ऑफ हो जाए। काउंटडाउन में जाके मैं काउंटडाउन दे सकता हूँ कि इतने काउंटडाउन के बाद में मेरा स्विच ऑफ हो जाए। इलेक्ट्रिक में जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो स्विच है उसमें डिवाइस जो लगा है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, कितनी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। तो चलो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मेरे मोबाइल में भी पावर ऑफ दिखा रहा है और स्विच भी पावर ऑफ है। तो चलिए, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, क्लिक करते ही स्विच भी ऑन हो गया और मोबाइल पर भी पावर ऑन लिख के आ गया। और ये जो नीचे इसके ऑप्शंस हैं, इसमें टाइमर में जाके मैं इसको टाइमर दे सकता हूँ, काउंटडाउन दे सकता हूँ और इलेक्ट्रिक में इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमेशन देख सकता हूँ। ये देखिए, मैं फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, और दोस्तों ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर आपको भी ये डिवाइस ऑफर प्राइस में परचेज करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।